चाणक्य आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व के बारे में। भारत का पहला डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व तमिलनाडु में अधिसूचित किया गया है। राज्य सरकार ने हाल ही में देश के पहले डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व की घोषणा की है। यह रिजर्व तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र पाक खाड़ी में स्थापित किया गया है। इसकी पहल राज्य सरकार ने सितंबर 2021 में डुगोंग के संरक्षण को लेकर की थी। तमिलनाडु सरकार की यह योजना थी कि इस तरह की पहल से इस समुद्री जीवों के रहन क्षेत्रों को विकसित किया जाएगा और उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाएगा। डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व की अगर हम बात करें तो इसे तमिलनाडु के तंजावुर और पुदुकोट्टई जिलों के तटीय क्षेत्रों को शामिल करते हुए पाक खाड़ी में रिजर्व को स्थापित किया गया है। डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व 448 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसकी पहल सितंबर 2021 में की गई थी। डुगोंग के बारे में अगर हम बात करें तो डुगोंग सबसे बड़े शाकाहारी समुद्री स्तनधारियों में से एक होते हैं। डुगोंग को सी काऊ यानी कि समुद्री गाय भी कहा जाता है। ये समुद्री घास वाले समुद्री क्षेत्र में निवास करते हैं। यह सिरेनिया प्रजाति का जीव है। यह जीव वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में अधिसूचित है, साथ ही IUCN की रेड लिस्ट की संवेदनशील श्रेणी में यह शामिल है। डुगोंग को समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र का अहम हिस्सा माना जाता है, इसलिए इनका संरक्षण अति महत्वपूर्ण है। इनका आवास क्षेत्र कई मछलियों और समुद्री जीवों का प्रजनन और भोजन क्षेत्र होता है। ये जीव भारत में मन्नार की खाड़ी, पाक खाड़ी, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूहों, गुजरात के तटीय क्षेत्र कच्छ की खाड़ी में पाए जाते हैं। ये जीव समुद्री घास को खाते हैं, इसलिए समुद्री घास क्षेत्र का संरक्षण बेहद जरूरी हो जाता है। ट्रोलिंग यानी कि मछली पकड़ने का एक तरीका जिसके कारण समुद्री घासों और प्रवाल भित्तियां नष्ट होती हैं, अतः इस प्रकार की एक्टिविटी की भी समीक्षा यहाँ की जानी चाहिए। अगर हम बात करें तमिलनाडु में जैव विविधता की, तो तमिलनाडु का तटीय क्षेत्र जैसे मन्नार की खाड़ी, पाक खाड़ी और राज्य का पूर्वी तटीय क्षेत्र समृद्ध समुद्री जैव विविधता का एक प्रमुख केंद्र है। इन क्षेत्रों में कई दुर्लभ और लुप्त प्राय मछलियों और कछुओं की प्रजातियों सहित समुद्री जीव निवास करते हैं। तमिलनाडु की तटरेखा 1076 किलोमीटर लंबी है, जिसमें राज्य के 14 तटीय जिले शामिल हैं। अब हम बात करेंगे IUCN की रेड लिस्ट यानी कि लाल सूची के बारे में। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की रेड लिस्ट ऑफ थ्रेट्स स्पीसीज की स्थापना 1964 में की गई थी। यह दुनिया की जैविक प्रजातियों के संरक्षण की स्थिति का सबसे बड़ा सूचना स्रोत है, जिसमें पशु, कवक, पौधों की प्रजातियों की दुनिया भर से विलुप्त होने की स्थिति की जानकारी समाहित होती है। IUCN रेड लिस्ट विश्व की जैव विविधता के स्वास्थ्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी भी रखता है। यह जैव विविधता संरक्षण और नीति परिवर्तन हेतु कार्रवाई करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। यह प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, जिन्हें हमें बचाना अति आवश्यक है। यह सीमा, जनसंख्या, आकार, आवास और पारिस्थितिकी, उपयोग या व्यापार, खतरे और संरक्षण कार्यों के बारे में जानकारी प्रदान करता है, जो आवश्यक संरक्षण निर्णयों के बारे में जरूरी सूचना देने में मदद करता है। अगर हम IUCN की रेड लिस्ट की बात करें तो इसमें 8 श्रेणियां शामिल होती हैं। सबसे पहला है विलुप्त। किसी विशेष जानवर या पौधे की प्रजाति की विलुप्ति तब होती है जब दुनिया में कहीं भी वह प्रजाति जीवित ही नहीं होती है। जंगली मगर विलुप्त यानी कि जंगली हैं लेकिन विलुप्त हैं। गंभीर रूप से खतरे में, जो जंगली हैं जिनके विलुप्त होने का अत्यधिक खतरा है। खतरे में इस श्रेणी में वो आते हैं जो जंगली हैं जिनके विलुप्त होने का बहुत अधिक खतरा है। अति संवेदनशील, जो जंगली हैं जिनके विलुप्त होने का अधिक खतरा है। खतरे के पास यानी कि भविष्य में इनके खतरे की श्रेणी में आने की आशंका है, जिनके बारे में कम से कम चिंता हो।
जिसे अधिक खतरे वाली श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। आंकड़ों की कमी, इस श्रेणी में वो आते हैं जो मूल्यांकन करने के लिए जिनके आंकड़ों की कमी होती है। इन 8 सूची के अलावा एक 9वीं श्रेणी भी है, उसमें उन प्रजातियों को रखा जाता है जो अभी तक जिनका मूल्यांकन नहीं किया जा सका है किसी भी कारण से। इस प्रकार आज का हमारा ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। हम कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक और नई जानकारियों के साथ। आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।